और ये आज बोला है पापा क्रियांश पापा ऐसे बोला ये पापा ये पापा पापा। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं मार्केट, इंतजार कर रहे थे डैडी के कोर्ट से आने का। मार्केट में तो जा सकते थे हम लोग दिन के वक्त भी, लेकिन दिन के वक्त दिक्कत क्या था कि क्रियांश अकेला रहता मम्मी के पास और अकेला क्रियांश को संभालना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। तो डैडी आ गए हैं, तो जब डैडी आ गए हैं तब हम लोग को मौका मिला है, तभी चलते हैं मार्केट। कुछ खरीदारी करना है और कुछ एक स्पेशल ओकेजन आ रहा है उसके लिए भी कुछ हम लोगों को शॉपिंग करना है, तो चलते हैं। अभी हम लोग आए शॉप पे हीटर लेने के लिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। हमारे पास हीटर था वो लेकिन खराब हो रहा है, हीटर ले लिया हमने और कुछ बल्ब देख रहे हैं, तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ तो वो तो फिर तो सही रहेगा किचन के लिए। हमने एक हीटर ले लिया है। हाँ जी, तो हमारे कौन सा था ये बता दो। वो पैक हो रहा है। अंकल के शॉप पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो दिया को चाहिए था अपने किचन के लिए एक अच्छा जैसा लाइट, ताकि सब कुछ अच्छे से विजिबल हो जो भी रेसिपी रिकॉर्ड करती है। तो ये लाइट हम लोग ले रहे हैं, तो अच्छा खासा लाइट होगा ये। ठीक है, ये दे दीजिए, एक छोटा वाला भी दे दीजिए आप। हमारी खरीदारी तो हो गई जी, और अब यहाँ पर आए हुए हैं झालमुड़ी लेने के लिए। तो झालमुड़ी हम लोग भी खाएंगे, मम्मी पापा के लिए भी ले रहे हैं। फोन करके पूछे मम्मी से लेना है, तो शुरू में बोली कि देखो अभी तो रोटी सब्जी सब खाना है, अभी क्या करेंगे लेके। लेकिन फिर पापा बोले कि नहीं लेना है, तो हम लोग ले रहे हैं। घर तो पहुंच गए जी, और यहाँ पर जो है हमारे लिए खाना बन रहा है, क्योंकि हम जो है झालमुड़ी सब कुछ भी खाए नहीं। ये चीजें बोले खाने का तो बहुत ज्यादा मन नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं आपको मैंने तो हम नहीं खाए ठीक है। क्योंकि मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान आपको ऐसे ही सद्बुद्धि दे। अच्छा। कि आप बाहर की चीजें नहीं खाए। वाह, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त मना किया है। हाँ जी, तो हमारा क्या है वो चीजें नहीं बता सकते जी, नहीं वो नहीं बताएंगे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हलवा बन रहा है हमारे लिए, तो हम जो है हलवा खाएंगे। और हाँ जी, हमने जो फुल बॉडी चेकअप करवाया था तो उसमें से कुछ कुछ इशू निकल गया था थायराइड को लेकर के और कुछ विटामिन सब को लेकर के। तो मुझको तो मना कर दिया गया है कि कुछ भी उस तरह का बाहर का नहीं खाना है, खाए भी तो थोड़ा लिमिटेड में खाए, तो कर रहे हैं परहेज। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जितना बल्ब है हम लाए हुए थे बाहर से, उसको किचन में लगा देते हैं, और जो बाहर का जो है हमारा बालकनी उसमें भी लगा देते हैं, क्योंकि उसका भी बल्ब जो हो गया है फ्यूज। यहाँ 9 वाट का बल्ब है जो बाहर लग जाएगा, और एक ये हमने लिया है 30 वाट का बल्ब लिया है, जो कि किचन के लिए मोर देन सफिशियंट है। और इसको स्पेशली हमने इसलिए लिया है कि जिया कुछ ना कुछ रेसिपी डालती रहती है अपने चैनल पर, तो उसी के लिए हमने ले लिया है यह, ताकि वीडियो का जो क्लैरिटी रहे थोड़ा अच्छा सा रहे जी। ऐसा करो वो कुर्सी लगा दो तो एक उधर, किचन में कितना लाइट है। बस एक सरफेस लाइट जो है वही जल रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वही एक लाइट चल रहा है, और ये लाइट जो है खराब है, तो इसके जगह भी इसको लगाएंगे रिप्लेस करके। बहुत दिन से ये लग गया है बल्ब का, पक्का ना लग गया ना। लग गया, जला के देखते हैं, सही नहीं लगा होगा तब जलेगा ही नहीं। ओके, लाइट सही है ना, बहुत सही है, अच्छा खासा लाइट हो गया। इसको रख देते हैं डस्टबिन में, प्रॉपर अच्छे से लाइट आ रही है, और रिंग लाइट की मुझे लगता है जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा खाना तैयार है और मेरे डिनर में ये है। कुछ देर पहले ही क्रियांश सोया था और हम लोग तो एकदम क्या, हम लोग सोचे क्रियांश सो गया चलो आराम से बैठ के खाना खाएंगे, और उधर से बोल रहे हैं, और जैसे ही खाना पीना लगाया इनका और ये उठ के हो गया तैयार। ये देख सकते कितना गंदा लड़का हो गया, यहाँ नाक में चोट लगा लिया ये, हाँ घाव है नाक में। कितना एक्साइटेड है ये देखिए उठ के। क्या क्या, अभी रात के 10 बज रहे बेटू, अभी सोने का टाइम है, खेलने का टाइम नहीं है। क्या क्या है क्या है, तो इसने यहाँ पे नाक में चोट लगा लिया था, इस वजह से हम लोग नीचे भी बेड बिछाए हुए हैं, और ऊपर तो बेड है ही, ज्यादातर हम दिन में नीचे बेड लगा कर। ये आप देख, पापा को देख रहा है, तो पापा क्या खा रहे हो पापा, ये देखो देख रहा है क्या खा रहे हो छुपा के, बोलो क्या खा रहे हो छुपा के भैया। ये बाल का क्या कर लिया आपने क्रियांश, बाल का क्या कर लिया, क्या कर लिया बाल का, छुपा के हलवा खा रहे।
इधर क्रियांश जो है जगा हुआ है और बज रहे हैं रात के लगभग 12:15। इसको सुलाने की काफी कोशिश की जा चुकी है लेकिन क्रियांश का देख सकते हैं अभी क्या चल रहा है। सुन रहे जी। क्रियांश को अभी जो है खेलना है। सुन रहे जी। क्रियांश को खेलना है अभी, दांत चबाने में व्यस्त है। ओए क्रियांश क्या चल रहा है? ओए हाँ, मम्मी की पिटी पिटी करो। मतलब कुछ नहीं, वही कर रहा है। आँख में उंगली दे के आँख खोल ले कमरा। क्या चल रहा है क्रियांश? क्रियांश ओए माय। मैं हूँ क्रियांश और मैं मचा रहा हूँ तबाही। ओए अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कहाँ आना है तुमको? कहाँ जाने का प्रयास है? कहाँ के लिए इतना जान प्राण लगाया हुआ है? आए पूरा चेहरा एकदम लाल कर लेता है। कहाँ के लिए इतना मेहनत चल रहा है बेटा? कोई नहीं सोएगा जब तक ये नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा। क्या लेगा इधर? ओए कहाँ जा रहा है? पापा के पास आना है क्या? अभी रात के 11:30 और हमारे बेटे को देख सकते हैं। और यह दूध जो है अपना पूरा पिया भी नहीं है, आधा बोतल पिया है, उसके बाद से सीधा नहीं कर रहा है। और ये आज बोला है पापा। क्रियांश पापा कैसे बोला है जी? कभी नहीं बोलेगा, अचानक से बोल दिया था पापा। नींद नहीं आ रही बेटा? ऐसे बोला था, ए पापा ए पापा पापा, दो बार बोला एक ही बार। इसको नींद नहीं आ रही है, हम लोग इतने थके हुए, मन कर रहा है सो जाए। इसको जो है सोना नहीं है, हम सोचे कि थोड़ा तेल मालिश कर देंगे। पापा नहीं थके, पापा अभी आराम से खिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। जब रोने लगेगा जी आलो। रात में कौन सुलाता है? हम सुलाते हैं। हाँ एक बार सुला देते हैं फिर रात भर तो जगते हैं। सबसे जो कठिन होता है वो पहली बार होता है। नहीं सबसे कठिन क्या होता है ना, रात भर जगना। आप भी दिख रहे हो बेटा, ये रात में सिर्फ ठोकना होता है। पूरी रात जो है ये इधर से उधर भागेगा, नींद में इधर से उधर भागता है ये लड़का। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हमारा ऐसे ही कुछ रात गुजरता है, कब सोएगा पता नहीं। अब आगे अपडेट देते हैं आपको। रात के 1:00 नाटक चल रहा है हमारे घर में। क्या करना है? क्या बोल रहे थे आप? आपको नहीं पता आपका फोन, आपका बेटा। पापा इसके तक चुके हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पकड़ना है। बोलिए। अरे फोन दो मेरा।